आते साथ पंगे शुरू। क्या हुआ किस बात का हो रहा है कि मुझे चाहिए बिरयानी। मैं बोल रही है आलू लिखाओ, मुझे खाना है चिकन वाली। तो मम आप कौन सी खिला दी उसको आज? आलू की। आलू की ना, क्यों? आलू की क्या करूँगी, चिकन आधी निकाल देती है आधी खाती है। अच्छा फिर ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पूरी खाओगी तो मम्मा मंगाएंगी ना फिर, वरना आधी पूरी पक्का। हाँ देखो पूरी खाने को बोल रही, चलो थोड़ी सी तुम्हारे साथ मैं खा लूंगा, ठीक है? तुम इसकी चिकन मंगा लो। मेरे नाश्ते बैचों के नाश्ते में बाहर खानी केक और चाय। 5-6 दिन बाद आपका भाई भाई घर का नाश्ता कर रहा है। यार बाहर नाश्ता करने का तो बिल्कुल भी मजा ही नहीं आता, घर के नाश्ता करने में मजा ही आ जाता है। इस व्लॉग को भाई इधर से स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में हमारे पंगे हो जाते हैं, आपको पता है। घर जब आप लोग को मैं सुना रही हूँ थोड़ी सी शायरी। शायरी शायरी या शादी? शायरी शायरी। अच्छा। थोड़ी सी छोटी सी। हाँ हाँ। मैंने उसको इतना देखा हाँ। इतना देखा जितना देखा जा सकता था। सही है। लेकिन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था? कितना देखा जा सकता था? बस खत्म। बस खत्म। हाँ? क्या शेर है भाई, तालियां तालियां। अच्छा, ये इसने नया नया सीखा है और ये बहुत पुराना शेर हो गया है, हमें बताएं। इस व्लॉग को इधर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई, ये क्या है? लो भाई, फिर अलमारी साफ हो रही है यार। कितनी अलमारी साफ करती हो आप मेरी? आपके कपड़े इतने ज्यादा है ना जो आप पहनते नहीं, मैं आपको इसी करने के लिए जो आप मुझे ये कैंसिल कर दो ये कैंसिल कर दो, तो आज कहाँ बैठे हो बताएं, क्या कैंसिल करना और क्या रखना। 2 सूट रखूंगी आपके में जी। कभी स्ट्रिक्ट वाइफ हो जाती है, कभी छोटी बच्ची वाइफ हो जाती है। भाई अभी तो ये सही गुस्से में बोल रही है कि आप जो है ना कपड़े सारे अपने कैंसिल करो क्योंकि मैं कम ही कपड़े पहनता हूँ। अरे ये आप कपड़े देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जिसमें आपको पता होगा मास की सिर्फ 3 शर्टें होती हैं जो मास ने पहनी होती है, तो ये सारे कैंसिल करें, किसी के काम तो आ जाएंगे ना। तो माशाल्लाह इतने कपड़े काम करो, सारे कैंसिल कर दो, सिर्फ 2 शर्ट रख लो। अभी मैं कपड़े बताऊंगा कि भाई कौन से कैंसिल करने और कौन से मैंने रखने हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये रखना है कैंसिल, ऑफ कैंसिल, ये कैंसिल, नहीं 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 रखना है, ये रखना है, रखना है, ये रखना है, पहनना है। अगर मास ने नहीं पहने ना फिर आप, अब देखना आप लोग, ये रखना है, रखना है, लोग बोलेंगे इतने ट्रोजर पहनता है कुछ भी नहीं, ये फेंकना है, ये रखना है, रखना है। अचानक से गर्मी हो गई तो हमने खोल दिया भाई फैन, ये पहनना है, ये नहीं पहनना, यही चल रहा है। मास्क के ट्राउजर हो चुके हैं, अब मास्क की शर्टें रह गई। ये वाले जो कपड़े हैं ना ये सिलेक्ट हो गए, मतलब ये अलमारी में जाएंगे, और बाकी ये सारे जितने भी है ना ये सारे हो गए भाई कैंसिल, किसी भी जरूरतमंद को ये कपड़े मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, सिर्फ ओए 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 ओए, कैप लवर के पास कैप्स ना हो ऐसा ना उनको दिखाओ भाई। ये कैप है, ये कैप है, ये मेरे दुबई के कैप है भाई, ये वाला और ये वाला, ये तो अपने ब्रांड का है ना, कि तो लेवल ही अलग है। लेकिन जब हम पहनेंगे, जब ये सही वाले लॉन्च हो जाएंगे ना, जब आपके भाई का ब्रांड जो है ना वो टॉप ऑफ द लाइन जा रहा होगा, जब आपका भाई ये चीजें पहना करेगा, तो इसको मैं संभाल के रख रहा हूँ। फिलहाल तो मेरा अभी ये वाला कैप फेवरेट है क्योंकि मैंने सौदिया से लिया था और उमरे के टाइम मैंने इसको पहना है बहुत बार, तो जब भी मुझे यही पसंद है। यार मुझे हुडी पहननी पड़ गई क्योंकि जो है ना लाइट नहीं है। हाँ लाइट आ गई तो, लेकिन फिर भी अब यही बननी पड़ेगी। पता नहीं चलता है लाइट कब आ रही कब जा रही है यार, अभी तो गई भी थी अब आ गई। ऐप में लग गई स्कूल साथ साथ। अबे भाई तू तो बस लगे ही रहे भाई, बस लगे ही रहे, अब तो कोई प्लानिंग श्लानिंग करूंगा नहीं तुझे ले आने की, छोड़ बस। अबे बस चल चल, अबे छोड़ छोड़ छोड़, इस हो रहा है लड़ाई हो जाएगी, चल थप्पड़ पड़ेंगे तू, रो नहीं बढ़ाना, नहीं 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 नहीं। सुनो सुनो, अभी मुझे जाना है सबा के साथ, सही है? बेबी की काफी सारी चीजें जो है रह गई हैं क्योंकि 6 दिन में सामान उसका नहीं आया, तो वो लेने जाएंगे। अगर तुम्हें चलना हो तो चल लेना, नहीं आप जाओ तो बस ठीक है। तुम कराची में लिखो, तुम्हें बाहर भी घुमाओ भाई। अभी कराची में नहीं जाती, अभी ये बोलती मुझे पढ़ना लिखना है, इसका इंटरेस्ट पढ़ाई में आ गया है ना। चलो गुड 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 गुड। ये देखो भाई, पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स की चीजें पड़ी हुई है, बट इसमें से सारे ब्रांड्स फारिग है। 3 ब्रांड इसमें क्लियर दिख रहे हैं, MS बॉडी एक्सप्रेशन, और ये आपके भाई का आ गया भाई सिग्नेचर, ये आ गया मास सफदर का 2x मास सफदर, ये मेरे बहुत ही फेवरेट है और घर में सब लगाते हैं। भैया से पूछते हैं इसमें सबसे अच्छा परफ्यूम कौन सा है। भैया 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 जरा तुमने ये तो यूज किया मेरे ब्रांड के परफ्यूम है ना, बट इसमें सबसे अच्छा कौन सा ये बताओ, जल्दी बताओ। सिग्नेचर कमाल है ना, ये तुम लगाते हो अक्सर, ये खत्म किसने किया पहले ये बताओ बेटा। खत्म ये सबने किया, सब लोग, सब ने नहीं, सिर्फ तुम्ही ने खत्म किया। इधर देखो, अबे ये कहाँ लगा, बदबू आ रही थी कुछ भी। तो कुछ ऐसी लग रही है भाई आपके भाई की अलमारी, खुल जा सिंपल। ये गाड़ी में पेट्रोल है नहीं है यार, अभी जरा चेक तो कर ले हम। नहीं है भाई पेट्रोल ही नहीं है, तो पेट्रोल वाला पड़ेगा कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए। अभी से बता दो कि एक जगह जाना है या 2 जगह? 5 जगह। एक जगह अभी खुद बोला, एक जगह जाना है 2 जगह, तो मेरी मर्जी ना। तो 2 जगह बोला, तो 5 क्यों बोला फिर? तो 2 जगह नहीं, एक जगह, देखो बहुत ट्रैफिक होता है इस टाइम पे। चल एक जगह यार, बस डन। ये मर्द की सक्सेस यही है भाई, बीवी से कम काम बनवाना, समझ रहे हो? जब मुझसे सॉरी बोलवाया था ना चैट, उसका बदला तो मैं लूंगी।
तो अभी चलते हैं डायरेक्ट पहले दुकान। निकल जा। ओए ओए। फटाफट से पहुंचे हम भाई पेट्रोल पंप पे, लाइट जो ब्लिंक हो गई, मतलब कि कभी भी बंद हो सकती है गाड़ी। चार सेल आए भाई पाकिस्तान में, बहुत महंगा पेट्रोल हो चुका है यार। मतलब 5,000 रुपए में सिर्फ चार सेल आ रहे हैं, जहाँ पूरी पूरी टंकियां फुल हो जाती थी यार 4-5,000 रुपए में, अब तो इम्पॉसिबल। कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा था अभी। सॉक्स चाहिए थे और वो चाहिए थे मिटन्स। कैप्स तो मेरे जैसे। अच्छा वो टोपे वाले, ठीक है भाई। बेबी के लिए ऊपर गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब के लिए। इसमें फरारी भी है, निसान पेट्रोल भी है, V8 भी है भाई, सारी गाड़ियां बड़ी बड़ी। सबा सब कुछ खोल खोल के देख रही है कि बेबी को आएगा नहीं आएगा। आ जाएगा ना, अच्छा लग रहा है। 9 मंथ का है ये, रखना पड़ेगा। बड़े नहीं है, स्ट्रेचेबल होते हैं ये, 6 मंथ को भी आ जाएगा। 3 मंथ का है वो, 0 to 9 months का होता है। 0 to 9 months को भी आ जाएगा, रख लो स्ट्रेचेबल है। आए भाई, बेबी की शॉपिंग तो हो गई है, बट कार्ड जो है ना वो कनेक्ट नहीं होके दे रहा, तो अब हमें जाना पड़ेगा ATM और ATM से पैसे निकाल के फिर देने पड़ेंगे। सही है, या फिर पैसे नहीं निकालते, छोड़ो शॉपिंग वॉपिंग को, क्या करें। अब वहाँ सारे कपड़े निकाल लिए, सब निकलवा लिए, बिल हो गया, बोली किसी और शॉप पे चलते। कितनी चला गए लड़कियाँ। एक बोला था एक पे जाना, दो पे जाना, तो मुझे दो पे जाना। नहीं नहीं, आपने बोला था एक पे जाना, आपने तो बस फटाफट चलते हैं, कैश करवाते हैं। खुल गया सिम सिम। अरे जल्दी सिम सिम। अरे क्या है पासवर्ड? अभी तो पासवर्ड ही भूल गया। अरे आजा 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 आजा। ये आ गए भाई, अब जो है वो बेबी के लो भाई। हाँ तुम ये पहले खोल के देख लो कि सही कपड़े दिए नहीं दिए। लग रहा है कहीं मैं पैसे लेने गया हूँ, जब तक चेंज ना हो गए हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे शॉपिंग बेबी की हो गई है और अब जा रहे हैं भाई डायरेक्ट घर। चलो अब बाहर आए तो कुछ खा भी लेते, आइसक्रीम वगैरह खा ले, गर्मी बहुत है, बहुत देखो पसीने आ रहे हैं यार। क्रीम खानी है, हलीम हलीम नहीं मिलेगी यहाँ पर, अंडे वाली बिरयानी या फिर छोले वाली बिरयानी। जो इसमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ना अंडे वाली बिरयानी, ना छोले वाली बिरयानी, ना हलीम। शेक भी जा जाओ, आ जाओ शेक। मैं तो शेक की दुकान पे जा रहा हूँ और इनको अगर पसंद आया तो पी लेंगे। वो सामने जो लगा हुआ जूस कौन सा है? मेन रेड सर। दो किन्नू को दे दो, एक बनाना दे दो। तो सभा मान ही गई भाई जूस पीने पे। ये जो है ना गार्ड को देते ना, ठीक है पीछे, ठीक है सर। ये हमारा है, एक आपका एक मेरा, देखते जल्दी कौन खत्म करता है। ये देखिए आपको कितना सा, मेरा कितना सा। मतलब मैं पी गया हूँ ना, जब इतना सा हुआ आया तो फुल था ना। फिनिश, फाइनली पहुंच गया भाई घर। अब नीचे बैठे हैं भाई असम बाबा। अबे डमाडस कहां था तू, बाहर घूम रहा है? अबे एटीट्यूड बॉय, ये क्या कर रहा है? कलर कर रहा हूं। ओ भाई चिली मिली का पूरा डब्बा। ओ भाई भाई, ओ भाई इसे बचाओ भाई, पूरी खा जाएगा भाई पूरी। तूने खाने नहीं देनी इसको। इतनी देर में क्यों आया? अबे हाँ तू सुबह से, अभी रात होने वाली है, अब आ रहा है। अबे काम करो तो। अबे झूठ बोल रहा है, कोई काम नहीं, सो रहा था, साफ बता। ये बेचारा अफसोस में, क्यों इसको कॉपीराइट लग गया? इसकी वीडियो पे कॉपीराइट लग गई है। चलो कोई नहीं, होता है होता है, छोटे मोटे कामों में बड़ा बड़ा काम होता रहता है। छोटे मोटे चैनल पे बड़े बड़े छोटे मोटे काम होते रहते हैं। ये भी अच्छा है, नॉट बैड नॉट बैड। बी के कपड़े आए हैं। मॉम मॉम मॉम, इधर हम सिर्फ क्या लेने गए थे बताओ? बस और सॉक्स, बस ये दो चीजें लेने गए थे ना, बस दो चीजें। देखो भाई सभा को जब ले जाऊँ ना तो ये होता है, ये जब बोलती है कि सिर्फ सॉक्स लेने जाएंगे, फिर बाद में सारी शॉपिंग कर लेती है। टोपी को लाने थे, अब तो मौसम भी चेंज हो रहा है, अब तो रात में तो मौसम पंखा चलाएंगे ना। हाँ सभी राइड अपनी अपनी जगह भाई, एक ने बोला कि रात पंखा चलाएंगे तो इसलिए, और मम्मी बोल रही है भाई सर्दियां खत्म होने वाली है तो टोपा हटा दो, बस सही है। कोकोमो खा रहा है, अबे कोकोमो में इतने सारे कोकोमो कहाँ से आने लग गए भाई? ला मुझे भी दे बे, जब उसको दे रहा है तो मैं पूरा ही दे दे, एक काम कर। अबे चल दो ही तो आ गए, तुम्हारे हाथ पाँव में आ जाएगा ये? आ जाएगा। किसको दे देते हैं यार? क्या हम आपके लिए कुछ और लाएंगे? आप अपने बर्थडे बताओ। बस तुम्हारी कल शॉपिंग कर लूंगा मैं। मेरे लिए तुम लोग लाना वो चार्जिंग वाली गाड़ी। चार्जिंग वाली गाड़ी? हाँ। रिमोट कंट्रोल जो होती है। हाँ। वो चलाते हैं, पाँव मारते हैं चार्जिंग। तो पसंद है वो? चलो तुम्हें बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट देंगे वो। चलो कपड़े चेंज हो रहे हैं। अरे इसने दूध गिरा दिया, नए सूट। रैपिंग शीट है मास। हेलो मम्मा का बेटे, मम्मा को ऐसे अच्छा लगता है। कटक 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 मान गया ये, नाराज था ना? ये पहले ही मान गया था, मम्मा से नाराज चली होता है ना। पापा से तो नाराज नहीं हो, देखो पहले पापा भी तो मनाएंगे ना। रुको पापा से नाराज तो नहीं हो? ओ हेलो भाई, हमारी खत्म नहीं हो रही। ओ हेलो, नाराज तो नहीं हो पापा से? ठीक हो गया? अरे सुन लो भाई, कान छोड़ो, नाराज तो नहीं हो? बस आगे बंद कर लियो। ओ भाई लगता है नाराज नहीं है। इसको बोला नाराज हो तो ये रोना शुरू कर दे, तो मतलब क्या नाराज है, लेकिन जब हंसता है तो ये फिर ये मतलब नाराज नहीं है। हंसी लेटी हो गया? अरे वाओ मुन्ना रेडी। ओए नींद आ रही है, रेडी में कहाँ जा रहा है, सुलास को। कल ही हम घर आए यार और एक गुड न्यूज आ गई है। अभी मैं कह रहा था भाई रेस्ट, आप बाहर जाओ जल्दी, बाहर जाओ, बताओ ना जल्दी, नहीं पहले बाहर जाओ। वाइफ से कुछ नहीं छुपाते, फौरन से एक मिनट में आ जाती हूँ, एक सेकंड भी थोड़ा रुक जाए करो। करंट लगा दूंगी। सॉरी करंट नहीं लगा, अच्छा बता रहा हूँ करंट नहीं लगा। ये कौन लाया भाई? दिखा ये कौन लाया?
मम्मा लाइन कह रही थी जब मास्क तंग करे तुमसे सॉरी बुलवाया तो उसका बदला लो, इसके अंदर उंगली डालेंगे कलर लगेगा। जाओ तो लग जाएगा, तो सच में लग जाएगा, मच्छर मारने वाला होता है, इंसान मारने वाला नहीं है, लेकिन तुम मर जाओगे, तुम मच्छर हो। सीन ऐसा है कि हमारा वीजा आ गया है। बाकी जो लगने दिया था ना वो वीजा भी आ गया। हमने वीजा कहाँ का लगने दिया? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो जब डायरेक्ट जाएंगे जब पता लगे। तुम्हें पता है हम जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइबर्स को नहीं बताऊंगा हम जाएंगे। अब ये नहीं पता मुझे, वीजा तो आ गया, अब हम घूम कर आ गए यार, इतना सारा खर्चा हो गया है, पाकिस्तान ट्रिप पे ही हमारा इतना सारा हो गया है, बट अब वीजा आ गया, अब क्या करें? क्या 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 करने, मेरा भी तो कितना खर्चा हुआ है आपको दो यार। मुझे बताओ, ये लड़कियों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हस्बैंड और वाइफ के पैसे एक ही होते हैं? लड़कियां बोलती नहीं भाई हमारे पैसे अलग हैं, हस्बैंड के पैसे अलग हैं, ये समझ नहीं आता। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताओ बताओ बताओ। मास्क का पर्दाफाश करते मैंने इधर कनेक्ट। हां जब ना मेरा मोबाइल आ गया ना तो मुझे उनको पैसे भिजवाने थे, तो मैंने मास्क को सारे पैसे दे दिए 4.5 लाख रुपए। मैंने मास्क को कहा कि आप ना 50,000 मुझे माफ कर दो, फिर ये तो मेरी तरफ से गिफ्ट नहीं हुआ ना, मतलब अगर 50,000 मैं ये बोलूंगा इसमें मेरे पैसे भी मिले। फिर मैंने मास्क को पूरे 5 लाख दिए कि आप फोन मांगे। अब जब हम घूमने गए वहां से मुझसे 50,000 रुपए लिए और नहीं दे रहे, कह रहे तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक हैं, ये कौन सा इंसान है? बाय टाटा। जो भी था, लेकिन एक बात समझो कि हस्बैंड और वाइफ के पैसे एक ही होते हैं। उस दिन जब 50,000 गुड न्यूज है, एक गुड न्यूज दे दूं, वीजा आ गया है जो लगने दिया था। अच्छी बात है, अभी तो इतने खर्चा कर आ गए ना पाकिस्तान में, वीजे का क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। वीजे का इस्तेमाल करना भाई, तो बोले इस्तेमाल करना पड़ेगा, फाड़ के भेज दो। नहीं फाड़ सकते भाई, कभी कभार लगता है। जो मम्मा कह रही है, अबे वीजा तुम्हारा हमारा लगा, पापा हमको कैसे भेज देंगे वो, ये क्या? अबे मम्मा क्या बोल रही हो आप? हाँ ना, जिसका वीजा होता वही ज्यादा ना बोल रही है भाई, किसी के वीजे पे कोई और नहीं आ सकता। हाँ भाई, तो तुम कैंसिल करवाते पहले? नहीं आ सकते ना, देखो भेज दिया, अब वो आ गया, अब वो लग गया, पैसों का वीजा लगा, वही पैसों का लगता है। अच्छा, तो अभी क्या करना है आपको तो पता ही नहीं था, वो मुझे कुछ नहीं पता था, कल ही कल आया जैसे ही मैं आया। चलो सफर होगा तो चले जाना, चलो सफर होगा तो चले जाना, लेकिन मॉम बोल रही थी वीजा आ गया तो पापा को भेज दो और मुझे भेज दो, लेकिन वीजा तो हम दोनों का है। फरी क्या हुआ तुझे? एक और गुड न्यूज देनी है तेरे लिए, बैड न्यूज है, लेकिन अब तेरा मूड देख, तेरा भी इम्पोर्टेंट रिश्ता है उसका भी यार, तू तो मेरी छोटी सी बहन है ना, तुझे तो मेरे घुमाना है पक्का। को बाकी यार आप लोग बोल रहे हो कि फरिया और सबा कोई कंपैरिजन नहीं है, और लेकिन मैं इस चीज को मानता हूँ कि देखो वो मेरी बहन है उसका अलग रिश्ता है मेरे से, और सबा है वो मेरी वाइफ उसका अलग रिश्ता है, ठीक है? तो मैं हर चीज को इम्पोर्टेंट देता हूँ, मतलब जो भी रिश्ते है ना सबको इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। सो फरिया को हम घुमाएंगे लाजमी, अब उसके बाद ही जाएंगे, बस ये भी आपके भाई ने कह दिया। अब क्या क्या बोले, क्या बोले? मैंने बोला कि फरिया घुमाएंगे देन उसके बाद ही जाएंगे। सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। पहले देखते हैं, मैं अभी कुछ नहीं हो रही। अबे खुश हो जा यार, कि तुझे टोपी लग रही है ये। एक बार मैं व्लॉग में देखा, आंख मार के गई थी। अबे सॉरी ना, अबे व्लॉग में, अबे सॉरी, मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था। अब आंख नहीं मारूंगा भाई, अब खुश खुश। चलो भाई अब आंख नहीं मारूंगा भाई। फरिया की भी डिमांड है कि मुझे भी लेके जाओ, एक साल से उसको भी लेके नहीं गए घुमाने फिराने। ले जाओ भाई, हैं एक साल से मार। पापा तो बोलते मत ले जाओ सबको, पापा खुद ही नहीं जाते हमारे साथ। हैं पापा को प्लान बनाया आप भी चले? मैं घर में भाई लो भाई, पापा कैसे मम्मा रह जाती नहीं, पापा को भी घर से लेके जाना है ना, लेके जाना चाहिए ना। ये कर लेंगे भाई, जब फरिया को लेके जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएंगे, बस अब वीजा आ गया ये बता दिया। खाने में तो भाई पाए बने हैं आज हमारे फेवरेट, और इसमें क्या है भाई, ठीक है पाए की है ना, मतलब के दोनों पतीले यूज में आए एक पाए के लिए। ये किस तरह निकाल रही हो, सारा गिर जाता अभी। हम खाते हैं फटाफट से रात का खाना, खाना जल्दी से मैंने खा लिया है, और मेरे अंदर से ना सारी एनर्जी लूज हो चुकी है, पता नहीं क्यों यार, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि यार मास काफी तुम बर्फबारी जाते हो, बहुत बार व्लॉग बना चुके हो, बर्फ 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 बर्फ। यार जिसके व्लॉग आप देख रहे हो ना इस टाइम पे, मतलब मेरे, तो वो जो शख्स है ना उसको प्यार है बर्फ से, समझ रहे हो? तो एक जिससे आपको इश्क होता है ना पहाड़ और स्नोफॉल से, तो वो ज़्यादातर उसी में फिर इन्वॉल्व रहेगा ना। तो जब भी मैं ज़्यादातर पहाड़ पे बर्फ़ पे जाता हूँ और आप लोग को वही सब दिखाता हूँ, क्योंकि वो मेरे हार्ट टू हार्ट है ना यार। वीज़ा भी आ गया है तो आप सबके लिए मैं
बर्फबारी से हटके भी ब्लॉग बनाने के लिए कंट्री से बाहर जाऊंगा। मेरा जो है ना वो तो भाई बर्फबारी ही है फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी दूसरी चीजें। आज हमारे काम हो गए भाई ये वाला, बेबी के कपड़े वगैरह और वीजा। तो इस व्लॉग को इधर से एंड करते हैं, उम्मीद है आपको लोग पसंद आएगा। व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दो यार। और बाकी कल से एक दूसरा टॉपिक शुरू होने वाला है जो कि मैं आपको अभी से बता देता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक जो है ना वो सभा ने 1-2 महीने पहले से बुला हुआ था। तो कल देखना व्लॉग लाजमी और फिर मजा आ जाएगा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आपके इन दानों के लिए लगा दिया। हाँ, हम लोग ये भी लिया है भाई मच्छर के लिए। अब बाय।